हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन में है, अब देखिए। ऐड नंबर्स इन 8-बिट रजिस्टर यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट, ऑल्सो चेक अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। दो एडिशन दिया गया है, -35 एंड -75 का एडिशन है, और दो नंबर एडिशन है -125 के साथ -105। इसका इन सब डिजिट का टूज कम्प्लीमेंट का एडिशन चाहिए, तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम एक नंबर, पहले -35 और -75 का टूज कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। टूज कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो मैं इससे पहले वाला वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो पहले जाके देख लीजिए, तो ये समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो -35 का बाइनरी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो बाइनरी में अगर कन्वर्ट जब आप करोगे तो 1000011 ऐसा मिलेगा। तो इसका टूज कम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे पहले से ही 1 है तो 1 एज इट इज लिख देना है और कम्प्लीमेंट कर देना है। 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो -35 का टूज कम्प्लीमेंट ये है, और -75 का टूज कम्प्लीमेंट, 75 का बाइनरी अब जब निकालोगे तो 1001011। तो इसका टूज कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1010110। तो इसको हम अभी एडिशन करेंगे, इसको हम पहले 8-बिट में लिख लेते हैं। तो कितना बीट हो गया, -35, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और यहाँ पे 8-बिट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक तो 0 8। तो यहाँ पे एक मैं बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ एडिशन करने के लिए। तो -35 ये -75, तो इन दोनों का बाइनरी वैल्यू हम टूज कम्प्लीमेंट का जो वैल्यू निकला वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 0001011001, और यहाँ पे -75 का वैल्यू लिख लेते हैं 0011010001। तो यहाँ पे ये कैरी बीट है और ये साइन बीट है, और मैं यहाँ पे कैरी लिखते लिखते जाऊँगा, और यहाँ पे रिजल्ट मतलब प्लस करते करते जाऊँगा, एडिशन करते करते जाऊँगा। तो एडिशन आप लोगों को मालूम है बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी एडिशन मैं सिखा चुका हूँ, पुराना वीडियो देख लीजिएगा। 110 होता है और कैरी 1 होता है, 101 होता है, 110 होता है, कैरी 1 होता है, 110 होता है, कैरी 1 होता है, 111111 को 1 होता है और कैरी 1 होता है, 110 होता है, कैरी 1 होता है। तो 101 होता है और कैरी 0 होता है, ये हो गया। अभी दो नंबर यहाँ पे कर लेते हैं, -125, इसका जब आप बाइनरी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 1111101।
इसका जब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1 1 0 0 0 0 0 और -105, इसका जब बाइनरी वैल्यू आप निकालोगे तो 1 1 0 1 0 0, तो इसका जब आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 08 इज एज इट इज बैठ जाएगा, 08 एज इट इज बैठ जाएगा, 1 एज इट इज बैठ जाएगा और यहाँ पे 100। तो इसको हम 8 बिट में ट्रांसफर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक तो जीरो डाल देते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हम लोगों का टूस कॉम्प्लीमेंट, ये वाला भी टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी फिर से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे -125 का बाइनरी डिजिट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 टू 0, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट दो टू 1, और यहाँ पे -125 का लिख लेते हैं 4 टू 0, 1 2 3 4, 2 टू 1 और 2 टू 0, ये हो गया कैरी बिट, ये होता है साइन बिट। तो हम यहाँ पे कैरी लिखते लिखते जाएंगे और यहाँ पे एडिशन करते करते जाएंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 101 होता है, यहाँ पे 101 होता है, यहाँ पे 101 होता है, यहाँ पे 101 होता है और यहाँ पे 0 0 0 0, कहीं कैरी नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कैरी में 0, साइन में भी 0 ऐड कर देते हैं। अब ये तो हम लोगों का एडिशन हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन हो गया, इतने दूर तक हो गया, एड नंबर्स हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट और 8-बिट रजिस्टर में रिप्रेजेंट करके हमको एडिशन हो गया। अब मेरे को जानना है अंडर फ्लो और ओवरफ्लो। अंडर फ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ऑकर्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज टू बिग और टू स्मॉल टू फिट द एलोकेटेड नंबर ऑफ बिट्स। इसका मतलब क्या है, जितना बिट रजिस्टर है अगर उससे कहीं बड़ा वैल्यू आपको मिल जाए जो रजिस्टर में फिट नहीं आता है वो होता है ओवरफ्लो। मतलब 8 बिट का जो रजिस्टर है, हम लोग का 8 बिट का रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो 8 बिट का अगर रजिस्टर है, अगर मान लीजिए कोई 9 बिट वाला कोई नंबर आ गया तो वो 8 बिट वाला में फिट नहीं आएगा, तो हो गया ओवरफ्लो। और अंडरफ्लो क्या होता है, 8 बिट रजिस्टर में जो मिनिमम वैल्यू फिट होता है उससे भी छोटा वैल्यू अगर कभी आ जाता है तो होता है अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का रूल्स हम देख लेते हैं, कैसे हमको यहां से अंडरफ्लो और ओवरफ्लो डिसाइड करना है। तो ये कैरी और साइन बिट इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ये देखिए पहले एडिशन का कैरी में 0 और साइन में 1 आया, और सेकेंड एडिशन में कैरी में 0 साइन में भी 0 आया। तो यहाँ पे कैरी और साइन ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का रूल्स लिखा है, जरा देखिए। अगर कैरी में 0 होगा और साइन में भी 0 होगा तो कोई भी नो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, नो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, मतलब सेम बिट के लिए कोई नो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो होता है। यहां पे भी अगर कैरी में 1 होगा साइन में भी 1 होगा तो नो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो होगा, ओवरफ्लो भी नहीं होगा अंडरफ्लो भी नहीं होगा। लेकिन कैरी में अगर 0 है और साइन में 1 है, साइन बिट में 1 है और कैरी बिट में 0 है तो होगा ओवरफ्लो, और अगर कैरी बिट में 1 है और साइन बिट में 0 है तो होगा अंडरफ्लो।
तो हम लोगों का कंडीशन क्या है यहाँ पे कैरी में, यहाँ पे जो हम लोगों का रिजल्ट आया है कैरी में 0 और साइन में 1, कैरी में 0 और साइन में 1, मतलब ये वाला ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो। और दोनों बिट के लिए अगर 0 आया तो ये नो ओवरफ्लो नो अंडरफ्लो, नो ओवर एंड अंडरफ्लो। तो दोस्तों आई होप कि ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका कैसे आंसर किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।